भारत के हार पर पाकिस्तान से आया बड़ा बयान, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज भी गंवा दी। इस हार के बाद भी टीम इंडिया की आलोचना नहीं हुई बल्कि तारीफ हुई है। दूसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के कोरोना से संक्रमित होने की वजह से मैच तय समय पर नहीं हो सका। इसके साथ ही पांड्या के अलावा 8 और खिलाड़ियों को मैच से बाहर कर दिया गया। दूसरे टी20 मैच में भारत के 5 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था लेकिन मैच नहीं जीत सका। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इल्जमाम उलक ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। अपने YouTube चैनल पर इल्जमाम ने कहा है कि भारतीय टीम कोविड-19 से प्रभावित हुई थी, कुणाल के अलावा 8 खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। भारतीय टीम के पास मैच छोड़ने का विकल्प था लेकिन उन्होंने मैच खेला, यह दिखाता है कि इस टीम को हार का डर नहीं है। अगर आप हार से नहीं डरते तो जीत खुद चलकर आपके पास आती है। उन्होंने इन खिलाड़ियों पर भरोसा किया जो उनके पास मौजूद थे। भुवनेश्वर कुमार ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी की क्योंकि टीम में 5 बल्लेबाज मौजूद थे। इल्जमाम ने आगे कहा है कि भारतीय टीम इन दिनों काफी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वे मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। वे खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड में खिलाड़ियों को भेज रहे हैं। इल्जमाम उलक ने इसका श्रेय कोच राहुल द्रविड़ को भी दिया है। उन्होंने कहा है, मैं इस टीम की मेंटल स्ट्रेंथ का श्रेय राहुल द्रविड़ को देना चाहता हूँ। खिलाड़ियों की तकनीक में सुधार एक बात है और खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती प्रदान करना अलग बात है। अगर किसी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं तो उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। हार और जीत खेल का हिस्सा है लेकिन मैं कहूंगा कि खिलाड़ियों की कमी होने के बाद भी मैच खेलना एक साहसी फैसला था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।